दोस्तों, मैं आर्कप्रभा भट्टाचार्य और एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था रिस्ट स्पिन बॉलिंग पे, अभी जो नया वीडियो है वो ऑफ स्पिन बॉलिंग पे। और मैं जितना ऑफ स्पिन आर्ट के बारे में जितना जानता हूँ और जो करंट सिनारियों में ऑफ स्पिन बॉलिंग का जो यूटिलिटी है और किस तरह के कितने टाइप के बॉल्स होते हैं उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ऑफ स्पिन बॉलिंग ज़्यादातर हम लोग उसको फिंगर स्पिन बॉलिंग बोलते हैं। और अगर हरभजन सिंह के बातों से हमको पता चले, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज़ को फॉलो करते हैं क्रिकेटर्स के, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग बॉलिंग को कैसे उनको डिफाइन करते थे। तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे, तो उनको जो यूज़ करते हैं, वो थ्योरी को अप्लाई करते हैं, उनका एक अलग सा इंटरप्रिटेशन होता है। तो वो इंटरप्रिटेशन को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर लर्निंग क्रिकेट, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट, एंड इफ़ यू लव क्रिकेट, फॉर अकॉर्डिंग टू हरभजन सिंह इट इज़ लाइक आप नॉकिंग, मतलब एक दरवाज़ा खोल रहे हैं। और दरवाज़ा खोलने का वो आपका जो प्रैक्टिस है वही ऑफ स्पिन बॉलिंग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, लेकिन उसके लिए जो भी स्पिन बॉलिंग होता है उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है आपके फिंगर्स। और उसमें बहुत टाइट ग्रिप आपको होना पड़ता है, क्योंकि जितना आप टाइट ग्रिप रख सकते हैं उतना आप स्पिन जनरेट कर सकते हैं। पिच सरफेस प्लेज अ ह्यूज रोल इन ऑफ स्पिन बॉलिंग, क्योंकि जब जब आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे फ्लैट पिच होगा, वहाँ पे रिस्ट स्पिन इज ऑलवेज बेटर देन, उनको पकड़ा जाता है कि रिस्ट स्पिन बॉलिंग ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू ऑफ स्पिन बॉलिंग। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कंडीशंस इनके लिए मैटर नहीं करता, उन्होंने ऐसा ऐसा बॉलिंग किया है, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस दिए है, तो उनका मंत्र क्या है, उन्होंने क्या अलग किया है, वो क्यों अलग है। कुछ लोग नेचुरली अलग थे, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन, ही वॉज समवन, वो ऑफ स्पिनर थे लेकिन उनका जो भी रिलीज होता है फिंगर से ज़्यादा उनका ये रिस्ट पे ज़्यादा था। तो उनका ये रिलीज था, उन पे उनके एक्शंस पे बहुत सारे अटकलें लगाए गए थे, बैन किया गया था, लेकिन ये कोई नहीं बोल सकता था या ये कोई डाउट नहीं कर सकता है कि मुथैया मुरलीधरन जैसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं था। इवन आप बात कर सकते हैं बैट्समैन की, सचिन तेंदुलकर के, ब्रायन लारा के बारे में, हर एक प्लेयर के बारे में, लेकिन बॉलर आपको मैच जिताते हैं। और 800 विकेट्स, 800 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट इज मतलब पीस ऑफ केक तो आपके लिए नहीं है, ऐसे हो जाएगा। और 1000 से ऊपर, 1200 के करीब विकेट है उनका वनडे में भी वैसा ही। तो मुथैया मुरलीधरन इस जमाने में भी खेलते तो वो इफेक्टिव ही रहते हैं, क्योंकि अपने प्राइम पे वो जिस तरह से बॉलिंग करते थे, जो उनको जिल जनरेट करने को मिलता था वो बहुत ही रेयर है। इस जनरेशन में आप बॉलर्स को देखेंगे तो नेथन लाइन देखेंगे, रविचंद्रन अश्विन देखेंगे। रविचंद्रन अश्विन बहुत ही अपने लाइन लेंस एंड मेथोडोलॉजी वो बहुत फॉलो करते हैं, दिमाग से खेलते हैं, दिमाग का यूज कर करके बॉलिंग करते हैं। ही इज़ वेरी मच सक्सेसफुल इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, स्पेशली इन इंडियन कंडीशंस। बाहर आजकल उनको बहुत विकेट मिलने लगा है, लेकिन वन ऑफ ऑल टाइम ग्रेट्स नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व में आप बोल सकते हैं, क्योंकि इतने इतना वॉल्यूम अगर मिला है विकेट्स, इतना तो आसान नहीं है कि अगर स्पिनिंग सरफेस हो गया तो आपको विकेट मिल जाए, आपको स्किल्स यूज़ करना तो पड़ेगा। और अश्विन ने बहुत सारे मैचेस जीता है उसके साथ। अभी इस बार हम लोग नेथन लाइन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन इन टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्फेस ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में एज एन ऑफ स्पिनर इतना डोमिनेट करना, पहली बात है कि फर्स्ट उनका जो रिलीज है बहुत ही हाई आर्म तो रहता ही है, और वो बहुत सारा अपना बॉडी को यूज़ करते हैं। अगर आप बॉडी को यूज़ करने लगेंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में तो क्या होता है, बहुत एक बहुत अच्छा सा फायदा होता है। ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कोई भी अगर फ्रंट फुट में आपको खेलने गया तो वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करता है, और उनका जो फिंगर को होल्ड करने का, बॉल को होल्ड करने का जो उनका एक स्किल उन्होंने डेवलप किया है विथ प्रैक्टिस, वो बहुत ज़्यादा है। तो फ्रंट फुट में आप कभी भी उनको मतलब लेग स्लिप में ले सकते हैं, उसके बाद आप कहीं पे भी उनको अटैक करने जाएंगे तो बोल्ड होने के चांसेस बहुत होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स नेथन लायन ने डेवलप किया है। फिर मेरे फेवरेट थे ग्रेम स्वान, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो दूसरा नहीं डालते थे। दूसरा एक ऐसा बॉल है जो बाहर निकलता है, इट्स विच इज़ अ वेरिएशन टू द ऑफ स्पिन, दैट इज लाइक द रॉन्ग वन, जैसे गुगली हो गया, इसमें वेरिएशन होता है। सकलेन मुश्ताक, द ग्रेट सकलेन मुश्ताक ने इसको डेवलप किया था। मैंने पिछले वीडियोज में भी एक बार बनाया था, तो इंसेप्शन ऑफ दूसरा में एक बार, तो उसमें मैंने बोला था कि कैसे उस बोला था कि ये मत डाल दूसरा डाल, जो विकेट कीपर थे मोइन खान, तो उन्होंने बोला था कि ये मत डाल दूसरा डाल, तो उन्होंने उसी एंगल से डाला। और इवन आप सब, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनके चैनल को देखिए सकलेन मुश्ताक के, उन्होंने बोला कि एकदम प्रॉपर एक्शन से आप दूसरा कैसे डाल सकते हैं विथ न्यू रूल्स ऑल्सो। सो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे, सईद अजमल हो गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन
चकिंग करने पे पकड़े जाते हैं। दैट्स वाई ऑफ स्पिन क्या ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें सवाल भी उठते हैं कभी कभार, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स ने उसको मतलब क्रैक तो किया लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ा बहुत चकिंग करते फिर बैन होते हैं। सुनील नरीन के साथ वही हुआ है। तो ये कुछ सवाल उठते हैं। तो ऑफ स्पिन बॉलिंग के बेसिक्स क्या हो गए, आप ये पकड़ लीजिए, फिर आपका ऐसा रिलीज आएगा तो बॉल अंदर जाएगा। फिर एक कैरम होता है जो अजंता मेंडिस ने लाया था 2008 में, जो इंडियन बैट्समैन को बहुत फंसाया गया था, लेकिन कैरम बॉल को लास्ट में क्रैक किया गया। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग बॉल्स है तो आप कैरम बॉल को एज अ वेरिएशन यूज कर सकते हैं। बॉल बाहर निकलता है लेकिन रिलीज पॉइंट में पता चल जाता है, इजी है दूसरा को पकड़ना, क्योंकि दूसरा बैक ऑफ द हैंड आता था तो उसको पकड़ना थोड़ा हार्ड हो जाता है। दूसरा शार्प टर्न करता है, आई फील दूसरा इज ऑल्सो काइंड ऑफ री स्पिन इन ऑफ स्पिन, थोड़ा मुझे लगता था, लेकिन वही अगर दूसरा को अच्छे से डाला जाए तो सही है। सो ऑफ स्पिन वन डे, मतलब अगर आप देखें वन डे क्रिकेट हो गया, फिर T20 क्रिकेट हो गया, T20 क्रिकेट में अच्छा ऑफ स्पिनर बहुत रेयर मिलता है आपको, क्योंकि रिस्ट स्पिनर का बोलबाला है। तो एक बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर पाना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन ऐसा करेगा, मुझे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई नहीं लगता कि जिसका ऑफ स्पिन खेलना मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है किसी के लिए, ऐसा कहीं ना कहीं से उसको क्रैक किया जा रहा है। ऐसा जब आप बोल सकते कि ये बॉलर मेरा मतलब सुपर ओवर का बॉलर बन सकता है, जैसे कि मैं राशिद खान को बोल सकता हूँ, मतलब लेग स्पिन का जो औधा है उड़ गया है, वो बहुत बड़ा कर दिया है उन्होंने, फास्ट बॉलर कर सकता है। लेकिन ऑफ स्पिन बॉलर कौन सा बॉलर आप ऐसी बोल सकते हैं कि चलो ये मेरा सुपर ओवर का बॉलर, अभी भी एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये एक ऐसा आर्ट है जो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा रहेगा, और एक लाइन लेंथ पे अगर हमेशा बॉलिंग करने लगेंगे नेथन लाइन जैसे करते हैं, दिस इज ऑल्सो ए वेरी हार्ड आर्ट टू क्रैक। और नाउ डेज एक चीज जो देखा गया है कि मतलब कलेक्टिव लेवल में बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ T20 क्रिकेट स्पिन प्लेइंग स्किल का मतलब जो स्किल है बहुत ही नीचे चला गया है, क्योंकि स्वीप इज द ओनली ऑप्शन जो आजकल बैट्समैन यूज करते हैं। बाकी वो जो थ्रू द लाइन खेलना वो आर्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है। थ्रू द लाइन इन दैट सेंस मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे छक्का मार दो, मतलब लाइन को देख के खेलना, डिफेंस पे रिलाई करना, कौन सा बॉल फ्रंट फुट में खेलना है बैक फुट में खेलना है, आई एम डिस्कसिंग ओनली द थ्योरीज हेयर। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गेम के लिए। सो आगे हमको देखना पड़ेगा। और ये जो हो गया है कि दो नए बॉल, तो बॉल पुराना नहीं होगा तो बॉल स्पिन कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रिस्ट स्पिनर का बोल वाला रह गया है अभी सिर्फ आपका वन डे क्रिकेट पे। लोग कुलदीप यादव को ट्राई करते हैं, युजवेंद्र चहल को ट्राई करते, कौन सा एक मतलब सोल ऑफ स्पिनर को पकड़ के हम लोग कोई लिमिटेड ओवर्स खेलते, वो दिन चले गए। सो आप हमको पता नहीं कि सही है कि गलत, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसी चीज़ का अभी वो एंडेंजर्ड स्पीसीज बनने वाला है, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो ना हो वही हम होप करते हैं। और मुरलीधरन जैसे बॉलर्स, इवन नेथन लायन, अश्विन, हरभजन सिंह, इनके जैसे बॉलर्स, सकलेन मुश्ताक, इतने बड़े बड़े बॉलर्स आए हैं, ऐसे बॉलर्स और आने लगे। मैं बहुत सारे नाम मिस कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। धन्यवाद।